एडवांस के पेपर में मेरा मैथ्स में कट ऑफ पार नहीं हो पाया एक नंबर के कारण, बस एक मार्क्स। पिछले साल क्वालिफाइड हो गया था मैं, एडवांस क्वालिफाइड था पिछले बार, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मेरा हो जाना चाहिए लेकिन हाँ। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। आज हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने मेंस क्वालिफाई करा है और मेंस में 98% लाया है। चलिए उनसे बातें करते हैं, उनके अब तक की थ्रू आउट जर्नी क्या रही वो हम बातें करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिकेश रंजन है। ऋषिकेश, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मैं रोहतास जिला से। आप भी रोहतास से? अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपकी पढ़ाई की जर्नी अब तक कैसी रही? पढ़ाई की जर्नी ठीक ठाक रही, मेहनत है काफ़ी। तीन लाइक आपने 10वीं 12वीं कहाँ से की और कौन सा बोर्ड था आपका? मैंने 10th DAV पब्लिक स्कूल से की थी और 12th विवेकानंद मिशन स्कूल से की थी। अच्छा, ये सेशन कौन सा है आपका बोर्ड का, 10th का और 12th बोर्ड का? 10th का 2019 और 12th का 2021। अच्छा, 21 में आपका हो गया। अच्छा, आप कहाँ से प्रिपरेशन किया आपने? मैं कोटा गया था। कोटा गया था, अच्छा। आपने सेकंड दोनों सेशन दिया था? हाँ, दोनों। पहले सेशन में कितना परसेंटाइल था आपका? मेरा पहले सेशन में 98.44 था। और सेकंड वाले में? सेकंड में था 96.7। सेकंड वाले में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। एडवांस के पेपर में आपका कैसा रहा? एडवांस के पेपर में मेरा मैथ्स में कट ऑफ पार नहीं हो पाया एक नंबर के कारण, बस एक मार्क्स। एक मार्क्स वॉज द रीज़न फॉर जिस वजह से आप डिसक्वालीफाई हो गए। मैथ्स में 5 नंबर कट ऑफ गया है। अच्छा। और मेरा 4 नंबर है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आपने प्रिपरेशन किए? एलएन करियर इंस्टीट्यूट कोटा। कोटा से किया। आप कितने और सफर स्टडी करते थे? बस जैसे क्लास चलती थी, जो क्लास की रूटीन थी, और फिर उसके बाद जितने होमवर्क मिलता था तो जितना टाइम लगा होमवर्क करने वही किया। और अच्छा अच्छा अच्छा, कि जब एडवांस के रिजल्ट देखे तो मतलब एक मार्क्स नहीं मोटिवेटेड थोड़ा फील हुआ? हाँ, लगा, शॉक्ड हो गया। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मेरा हो जाना चाहिए लेकिन हाँ। अब आपने आपने ड्रॉप किया था? हाँ, ड्रॉप लिया था। अच्छा, अगली बार चांसेस नहीं है ड्रॉप के? नहीं, पिछले साल भी मेरा क्वालिफाइड ही था एडवांस। अच्छा। पिछले साल क्वालिफाइड हो गया था मैं, एडवांस क्वालिफाइड था पिछले बार। कितना था उस पिछले बार, कितना मार्क रैंक था? पिछली बार ओबीसी मेरा 8500 था। 8500 रैंक था पिछले साल। पिछले साल। अच्छा, आप मॉड्यूल्स टेस्ट सीरीज कैसे करते थे आप? जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मॉड्यूल्स तो मिल जाता है लेकिन वो पूरा पढ़ नहीं पाते, तो आप कैसे पढ़ते थे उसे? हम लोग को टीचर्स गाइड करते रहते थे कि मतलब डेली रूटीन था कि आज इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, और रेगुलर इंटरवल पर टेस्ट सीरीज होते रहते थे, वो कोचिंग की प्री प्लानिंग थी। खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं आप? खुद को मोटिवेट करने के टीचर्स लोग थे क्लास में, हमेशा बोलते रहते थे कि ज़्यादा सोचना नहीं है, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। फैमिली का सपोर्ट कैसा था? फैमिली का मेरे पूरा तरह सपोर्ट था, मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। हम हमेशा बेस्ट की तरफ जाते हैं, अब तो हो गया जो होना था। आप कौन से कॉलेज टारगेट कर रहे हैं? मैं अभी तो इस साल तो एडवांस में हुआ नहीं, तो NIT प्रेफरेंस रहेगा। NIT ब्रांच कौन सा आपका? इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। हमने अभी इनके साथ भी जोड़ा और बहुत अच्छा इनका जर्नी है और इनका बहुत ही लाइफ लिसनिंग इनका जर्नी रहा। इन्होंने इस बार अब NIT कॉलेज के टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट।